करने लगा है फ्रेंच फ्राई और आज ये ट्राई कर रहा है टमाटो फ्रेंच फ्राई और टमाटो टमाटो कहाँ बनता है कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं फिर परी गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा परी वो स्पेशल बन रहा है ना पापा ना? नहीं इसे तोड़ दीजिए ये तोड़ दीजिए हाँ हाँ लगा दूंगा तो लगाइए और फैन चालू कर दीजिए यस फैन चालू कर देना गुड बॉय कितना तेज धूप हुआ है इस टाइम सुबह सुबह ही हो जा रहा है इतना तेज धूप अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 उसको कैसे पता मंडे मंडे हाँ वेडनेसडे के बाद भी आता है वीक में 3 days होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 days होता है वेडनेसडे के बाद थर्सडे उसके बाद फ्राइडे यस एंड लास्ट वन व्हाट इज द लास्ट वन सैटरडे नहीं होता है सैटरडे जोर से बोलो रिपीट अगेन हो गया यहाँ सबका कान फट जाएगा अच्छा ठीक है वो जनवरी फरवरी सुनाओ यस दीदी सुन रही है हाँ फिर ट्यूजडे आ गया और ठीक है जनवरी फरवरी के बाद परी वहां चले जाइए उसको बताइएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यस देखो दीदी पूरा बोल दी तुमको मामा उसको पता जनवरी क्यों पता है क्योंकि जनवरी हम लोग बोलते हैं जनवरी बोलो और जनवरी फरवरी बोलो इसको याद पता है सब कुछ ये बोलता नहीं नहीं मामा बोलता नहीं मामा पापा कहते हैं जनवरी फरवरी बोलो और वो कॉपी कर देते हैं जनवरी फरवरी पापा मुझे नहीं बोल बाबू को नहीं आ बाबू को नहीं आ यहाँ पे कट हो गया है फ्रेंच फ्राई के लिए पोटैटो ये क्या है प्रिंसु क्या कट कर रहे हैं पापा बाबू पापा क्या कट कर रहे हैं मम्मी सुन रही है एप्पल है अब पोटैटो कहाँ है पोटैटो वहाँ पे है पोटैटो भी नहीं ये पापा क्या कट कर रहे हैं पोटैटो यस तो फिर एप्पल क्यों बोल रहे हैं लास्ट वीक परी बीमार थी तो बोली कि हमको पापा फ्रेंच फ्राई खाना है तो मैंने फ्रेंच फ्राई खरीदने के लिए गए और फिर फ्रेंच मैंने खरीदा मैकडोनल्ड नहीं था लेकिन मैकडोनल्ड जैसा था दुकान वहाँ से खरीदा तो उन्होंने दिया 1.6 ग्राम मतलब ये उतना ही होगा 150 ग्राम से थोड़ा दिया था और उन्होंने चार्ज कितना किया पता है 70 रुपीज मतलब आप 200 ग्राम आलू खरीदते हैं आज के डेट में तो 4 रुपए का होता है इसलिए ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम फ्रेंच फ्राई बना देंगे तो कितना बेटर होगा तो एक तो आपको शुद्ध घर का मिलेगा और दूसरा आपको सस्ता हो जाएगा तो अभी इसमें ना ये नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और हो सके तो फ्रिज में भी रख सकते हैं तो फ्रिज में तो ये जानबूझ के ना सबसे बिग आलू जो होता है ना वो लेके आए हैं फ्रेंच फ्राई के लिए देखिए इसके जो ये है ना कितने बड़े बड़े हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी मम्मी हम लोग फ्रिज में नहीं रखेंगे देखो मामा फ्रिज यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक थोड़ा नमक हम लोग मतलब जिसके हिसाब से डालना होना उसे थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा उसका जो टेस्ट होता है ना वो पोटैटो में आ जाता है और उसके बाद से यहाँ पे पानी लिया है मैंने एक पतीले में या फिर पैन में ले सकते हैं एंड इसमें हम पोटैटो जो कट करके रखे हैं फ्रेंच फ्राई का वो डाल दिया है हमने और यहाँ पे देखिए साइड साइड में बबल्स जैसे छोटे छोटे आने लगे हैं जैसे कि पानी उबलना शुरू होता है तो वैसा हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग पहला उबाल आने का वेट करेंगे अगर टेम्परेचर की बात करें ना तो मोस्टली मतलब 72 to 75 degrees के मतलब उस टेम्परेचर पे ना हमें इसको बॉयल करना है
तो ये पूरा जो है ये बॉयल हो गया है। अब इसका कलर भी देखिए, टेक्सचर कितना बढ़िया सा हो गया है। और थोड़ा सा बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ ये जो फ्रेंच फ्राई हमारा टूट जाएगा, फिर अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, वैसा जैसे बाज़ार में रहता है वैसा नहीं लगेगा। और इस ये जब हो गया है तो बाहर निकाल के 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है थोड़ा, और उसके बाद से इसको अलग प्लेट में निकाल के इसको फैला दिया है। फैला के इसको हम लोग बिल्कुल ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा। प्रिंस उखड़ा हो, घंटी बजाओ। तब तक बाकी सारे काम हो रहे थे, और जो मैंने पोटैटो को बॉईल करके रखा था वो तब तक ठंडे हो जा रहे थे, और परिपिंसु यहाँ नहा के आ गए थे, पूजा पाठ हो गया था इन लोगों का। और यहाँ पे देखिए, ये जब पूरा ठंडा हो गया था ना, तब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ इसको। अदरवाइज़ आपको थोड़ा ज़्यादा लेट करना है, अगर टाइम नहीं है तो आप फ्रिज में भी इसको डाल सकते हैं। और जैसे ही इसको हमने डाला है, देखिए कितना बढ़िया सा उबाल आया है। और थोड़ा सा यहाँ पे संभल के हमें फ्राई करना है, क्योंकि जो पोटैटो है ना हमारा फ्रेंच फ्राई, वो बिल्कुल भी ठंडा है एंड ऑयल जो है वो बिल्कुल भी गर्म है। तो उस हिसाब से हमें इसको डालना है थोड़ा सा दूर हट के। तो बस यहाँ पे आप ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं आराम से, इसको फ्राई होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए फटाफट से ये फ्राई होता जाएगा, जैसा मार्केट में मिलता है फ्रेंच फ्राई सेम वैसा ही आपका बनेगा, बशर्ते कि जो दिखने में पोटैटोज़ होने चाहिए ना वो बड़े बड़े होने चाहिए, लंबे लंबे आपके पीसेस होने चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी तैयार हो गया है मेरा फ्रेंच फ्राई बन के, तो बाकी सारा रेडी हो गया है, लास्ट ये मैंने डाला हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए, अभी मैं बना रही थी ना, बनाते में ही आधा ख़त्म हो चुका है, परी प्रिंस बीच में ही लेके चले गए थे, तो इन दोनों ने खा भी लिया है। और इतना सा बचा था तो मैं इसको आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस पर मैंने काला नमक जो होता है ना वो इस पर डाला हुआ है, और आप इस पर चाट मसाला डाल सकते हैं, और उसके बाद से इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। फ्रेंच फ्राई बिल्कुल रेडी है। ये बोरी भर के आ जाया है सामान, गोभी गोभी तो इधर रख दो ना बेटा, नहीं पहले पूरा अनबॉक्सिंग। और ये परी का चिप्स आया है लग रहा है, परी का चिप्स है, हैंड वॉश है, मैंगो ये क्या, नूडल्स है, ये सब किसके लिए आया है? दीदी के लिए और किसके लिए? बाबू, बाबू सुनिए तो, किसके लिए आया है ये सब? ए, ये बिस्किट किसके लिए? ओए लड़का, ये बिस्किट किसके लिए? सुनो, ये बिस्किट किसका है? मामा का है कि पापा का है कि बाबू का है? मम्मी का, पापा का, दीदी का, बाबू का। बाबू का। अब बाबू किसका फ्रेंड है? मम्मी का और दीदी का, पापा का। हाँ, सबको घसेटता है कि मैं। बस 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 प्रिंसु बस, मेरा बेटा कितना मेहनत करता है ना, सब सामान निकाल लेता है। 5 पैकेट बिस्किट का आ गया है, बोल दिए ना। ओह माय गॉड, थोड़ा, अरे बाबू को चोट लग गया, चोट लग गया, चोट नहीं था, कुछ और था। लाइए फू कर दे, लाइए। रोने वाला था? ओहो, चोट नहीं लगा, रोने वाला था। पता है मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया आज। और आप लोग भी सुनेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं मतलब वीडियो शूट करूँगी, दिस दैट एंड बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई मुझे। पानी लगा। आईबू खराब हो गया, ये देखो खराब हो गया, आईबू खराब हो गया, इसको कौन ठीक कर, कौन बना? बोल बाबू बना गया। नए जगह पे जाने का नतीजा मेरी आईबू। परी आपको दिख रहा है? आके चेक करो। नहीं दिख रहा है। फैन बंद कराओ परी। नहीं दिख रहा है। परी फैन बंद कर दे। ना वो मोटे थे। कितना गलत है। मेरी आईब्रो खराब करने में इस लड़की का हाथ है। ये गई थी मेरे साथ और
अपने पापा को बोली कि पापा यहाँ है ब्यूटी पार्लर। इसी ने बोला था कि यहाँ है ब्यूटी पार्लर, अब कहाँ भाग रही हो, अब कहाँ भाग रही हो। तो गाइज मेरी जो आईब्रो थी वो एक ऊपर के साइड में हो गई थी, एक नीचे के साइड में, उसको मैंने पतला भी करवाया बराबर शेप करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद से अभी रात का समय हो गया था, मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी थी, आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ टमाटो डाल करके। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।